हेलो गाइज, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। टिकटॉक के मिस्टर फैजू का अकाउंट सस्पेंड हो चुका है और उसके बाद उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इस तरीके से उनकी कमाई होती थी, वो कैसे कमाई होती थी, सब चीज़ों से हम आपको बताने जा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। पर उससे पहले, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ लेके आ पाएं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की न्यूज़। मॉब लॉन्चिंग में तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी और उसी के ऊपर इस फैजू, मिस्टर फैजू जो टिकटॉक के स्टार बने हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। और उसके ऊपर जब उन्होंने वीडियो पोस्ट की और उसके बाद वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई और लोग बहुत ज़्यादा उनको गालियाँ देने लग गए, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो में ये चीज़ बोला था कि अगर वो बच्चा, इस आदमी का बच्चा जब बड़ा होगा और उसके बाद जब ये आपसे इतना ज़्यादा बदला लेगा, तब उस वक्त ये चीज़ मत बोलना कि हर एक मुस्लिम टेररिस्ट होता है कि आतंकवादी होता है। इसकी वजह से, इसी के चलते हुए सब फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। और उसके बाद हम लोग आज बात कर रहे हैं कि इनकी कमाई का भी, कमाई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जब भी ये टिकटॉक वीडियोस बनाते थे और उस वक्त इनकी जो वीडियोस होती थी और बहुत सारे इनके मिलियंस में इनके फॉलोअर्स है, और जब भी ये वीडियोस डालते थे आए दिन इनकी वीडियोस ट्रेंडिंग में जाती रहती थी। और नॉर्मली ही जब भी ये पोस्ट करते थे तब हर एक वीडियो पे लाखों से ज़्यादा इनके व्यूज आ जाते थे। उसी के चलते हुए इनको एड भी मिलने लग गई, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट, और इनको स्पॉन्सर वीडियोज भी मिलने लग गई और उससे भी इनकी कमाई होती थी। और उसके साथ ही इनका YouTube का चैनल भी था। और जैसे कि इन्होंने TikTok से ये स्टार बने और उसके बाद इन्होंने YouTube चैनल स्टार्ट किया, YouTube चैनल से भी इन्होंने कमाई की, वहीं के फॉलोअर्स इनके वहां पर गए। और अभी उन्होंने वैसे तो इसके ऊपर माफी मांग ली है, अपने Instagram के अकाउंट में जाके उन्होंने राइटिंग में सबसे माफी मांगी है कि मेरा कोई भी इरादा नहीं था किसी को भी कुछ भी ऐसा हर्ट करने का, मैं तो सिर्फ एक वीडियो बना रहा था, पर फिर भी अगर किसी को भी मेरी इस वजह से, इस बात से हर्ट हुआ है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दिया जाए, जय हिंद, उन्होंने ये करके वहाँ पर लिखा है और ये वो पोस्ट किया है। पर उसके चलते हुए भी लोग जो उनके फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उसके ऊपर भी वो लोग उनको ये चीज़ बोल रहे हैं कि उनको फैंस को उनको फॉलो करने का मन नहीं कर रहा है, उनके वो उनको अनफॉलो कर देंगे। हाल ही में ही फैजू ने अपने टिकटॉक में ऋतिक रोशन के साथ वीडियो बनाया था जो कि उनकी आने वाली 30 मूवी के ऊपर आधारित है। और उन्होंने वहां पर टिकटॉक पे वीडियो बना के, मतलब कि वो स्पॉन्सर वीडियो थी, और उससे भी उन्होंने पैसा कमाया। और ऐसे ही उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ टिकटॉक वीडियोज़ बनाई है और मूवीज़ की बहुत ज़्यादा प्रमोशन की है। जैसे कि आप लोग देखते ही हैं कि जब मूवीज़ आने वाली होती है तब हीरो और वहां के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरोइंस काफ़ी जगह पर सोशल पे जाते हैं और वहां पर जाके अपनी मूवी की प्रमोशन करते हैं। उसी तरीके से इस फैजू के अकाउंट पे भी, टिकटॉक अकाउंट पे भी सेलिब्रिटीज तक आते थे और वहां पर आके अपनी मूवी के प्रमोशन करते थे। वो प्रमोशन इसलिए करते थे क्योंकि इनके मिलियंस में फैन थे और इनके जो फैंस इतने इनको पसंद करते थे, सिर्फ एक गलती की वजह से, इनकी सिर्फ एक गलती की वजह से वही सब फैन इनको आज अनफॉलो करने के लिए सोच रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि जो इन्होंने गलती की है वो माफी के लाइक नहीं है। पर अभी तो फैजू ने माफी मांग ली है, अभी आगे पता चलेगा कि क्या होने वाला है। सो गाइज, अगर आप भी फैजू के फैन हो और उसके बाद भी आपको भी लग रहा है कि फैजू को आपको अनफॉलो कर देना चाहिए, आप उनको फॉलो नहीं करना चाहते हो, तो जो उन्होंने माफी मांगी है वो सही है ये गलत है, तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइए। और जो उन्होंने गलती की है उसके ऊपर आपके जो विचार है वो भी हमारे साथ जरूर कमेंट के जरिए हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो उसके लिए एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।